चीन कहीं ना कहीं भारत पर चढ़ने की साजिश रच रहा है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए जो मोदी सरकार है वो भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। भारतीय सेना को जितने भी अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो कोई सी भी सेना हो, हर सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा रही है। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉटफील्ड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर लगातार विवाद बढ़ रहा है और ऐसे में चीन को पैरों तले कुचलने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद पूरे चीन के होश हो गए हैं। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि भारतीय सेना की वजह से ही आप और हम इस वक्त जहां पर भी मौजूद है वहां पर सुरक्षित है, महफूज है। उसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं कि कैसे अब भारत चीन को पैरों तले कुचलने के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हल्के वजन वाले 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। चीन से लगती सीमा पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। चीन ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के करीब कई सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इसके जवाब में भारत भी अब अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार ने हल्के वजन वाले 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। हल्के वजन होने के चलते ये हेलीकॉप्टर ऊंचे पहाड़ी इलाके में लड़ाई के दौरान बड़े काम आते हैं। 15 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत सरकार 3,887 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 10 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स और 5 आर्मी के लिए होंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने बुधवार को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही CCS में 377 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बुनियादी ढांचे को भी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब भारत में जो कमर जो है वो पूरी तरीके से कसी है, क्योंकि चीनी सेना का रवैया आपने इससे पहले भी कई बार देखा होगा। जब आपको याद होगा अब से करीबन 4 साल पहले डोकलाम का विवाद हुआ था, डोकलाम विवाद पर अवैध तरीके से एक सड़क को घेरने की साजिश चीन ने रचाई थी और बड़ी मात्रा में अपनी सेना को डोकलाम पर उतार दिया था। वहां पर कब्जा करने की पूरी साजिश चीन ने रचनी थी, लेकिन ऐसा करने में चीन सक्षम नहीं हो पाया। आखिरकार चीन को अपने कदम पीछे हटाने पड़े, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और पीएम मोदी ने अपने कूटनीतिक तरीके से अपनी रणनीति से चीन को पीछे की तरफ धकेल दिया। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। चीन हमेशा भारत पर हावी रहा है, लेकिन अब चीन के कदम जो है वो भारत के सामने डगमगाने लगे हैं। ये सिर्फ डोकलाम का एग्जांपल नहीं, बल्कि इससे पहले गलवान घाटी में भी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में एक झड़प हुई थी। लेकिन वो झड़प ऐसी थी कि उस झड़प में हालांकि हमारे देश के कुछ वीर जवान भी शहीद हुए, लेकिन ऐसे वक्त में भी भारतीय सेना ने अपना मनोबल नहीं तोड़ा, बल्कि जमकर चीनी सेना पर हमला बोला और चीनी सेना को एक बार फिर गलवान घाटी से पीछे धकेल दिया। लेकिन एक बार फिर अब जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही है कि चीन कहीं ना कहीं भारत पर चढ़ने की साजिश रच रहा है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए जो मोदी सरकार है वो भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है। भारतीय सेना को जितने भी अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो कोई सी भी सेना हो, हर सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा रही है। वही आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एक स्वदेशी रूप से विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसमें लगभग 45% स्वदेशी सामग्री है। यह आने वाले समय में बढ़कर 55% से अधिक हो जाएगी। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस हेलीकॉप्टर का उत्पादन करती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार LCH
बेहद बढ़िया है। इसका रेंज बढ़ाया गया है। यह अधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में काम कर सकता है। यह हर तरह से मौसम में काम करता है, चाहे मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो या फिर बारिश का हो, हर मौसम में ये अपना काम करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके साथ ही इसका इस्तेमाल बचाव अभियान में भी हो सकता है। यह दुश्मन की वायु रक्षा और काउंटर ऑपरेशन को नष्ट कर सकता है। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ऊंचाई वाले इलाके में बंकरों को नष्ट करने, जंगल और शहरी वातावरण में आतंकवादी विरोधी अभियानों और जमीनी बलों को मदद पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ये सिर्फ इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं है। आपको बताते हैं कि भारतीय सेना के पास एक या दो नहीं बल्कि पूरे 800 फाइटर जेट है। ये ऐसे फाइटर जेट है जो कि किसी भी देश में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर के नाम है सुखोई 30 MBI, तेजस है, एक तेजस है, उसके बाद MiG-29, मिराज 2000, चिनूक, ध्रुव, MI-8, MI-17, MI-26 और अटैक हेलीकॉप्टर। ये तमाम ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो कि भारतीय सेना के पास मौजूद है। ये तो रही बात फाइटर जेट की, इसके बाद राइफल से लेके और जितना भी असला बारूद है, ऐसा बहुत सारा ऐसा असला बारूद है जिसका नाम भी शायद किसी देश को नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता, लेकिन वो ऐसा बारूद है कि किसी भी देश को एक पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। इस तरीके का मादा भारत अब अपने पास रखने लगा है जब से भारत में पीएम मोदी की सरकार आई है, क्योंकि पीएम मोदी ही वो नेता है जिन्होंने भारतीय सेना को इतनी खुली छूट दी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही आपको याद होगा 1965 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत हार गया था। भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा, भारत को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार मौजूद थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कदम पीछे नहीं बल्कि बढ़ चढ़कर कदम आगे बढ़ रहे हैं, काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का ये नतीजा है कि चीन भी अब भारत से कांपने लगा है। पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला। दोस्तों, इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करें, हर भारतीय हर हिंदुस्तान तक पहुंचाएं और देश चैनल ऑफ को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।